अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सबका ठीक है? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हूँ, मेरी तबीयत काफ़ी अच्छी है। आप सुनाए, सब खैर खैरियत है? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये आपने जैसे भी देखा है, ये मेरे बटेर का पिंजरा था। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये काफ़ी गंदा हुआ हुआ, इसमें से मिट्टी वगैरह कराई थी, तो ये देखिए उसकी बीटी वगैरह, और ये काफ़ी गंदा हुआ हुआ था। तो अभी ये मैट वगैरह निकालते हैं इसके अंदर से, मैट वगैरह निकालते हैं, इसका दरवाज़ा खोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा वॉश करते हैं आज, और अभी ये सारा वॉश करते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। वॉश करके इंशाल्लाह मैं आपसे मिलता हूँ जी। तो ये दोस्त देखें, दोस्तों मैंने ये केज वगैरह वॉश कर लिया है। देखिए अब माशाल्लाह से बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल साफ़ हो गया है। ये देखिए कितने मज़े का लग रहा है। अब ये वॉश कर लिया है मैंने, ये बना हुआ है सारा लकड़ी का। तो अगर तो इसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये ख़राब हो जाएगी, लकड़ी इसकी सारी ख़राब हो जाएगी। तो इसे ऐसे करते हैं कि लेके धूप के ऊपर रख देते हैं। तो इसे मैं इधर रख देता हूँ ताकि ये इधर धूप पे खुश्क हो जाए, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इसमें डला हुआ था ना मैट, वो मैंने उधर डाल दिया है, ये डिटॉल और सर्फ़ वाले पानी में। ये देखिए ये मैंने इधर इधर डाल दिया है। इससे ये होगा कि ये अच्छे तरह से धुल जाएगा, मतलब जो इसके ऊपर बीठे वगैरह लगी हुई है ना, तो वो अच्छे तरह से नरम हो जाएंगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक जादू, आप वो चेक कीजिएगा। ये देखें गाइस, कल आपने इधर देखा था यही पौधे थे, लेकिन इनके ऊपर फूल नहीं निकले हुए थे। ये देखें आज आज इनके ऊपर फूल निकले हुए हैं। तो ये मैंने आज मामा से पता कि मैंने कहा ये क्या वजह है जी, ये इसके ऊपर कल तो फूल निकले ही नहीं हुए थे, कल तो इनके ऊपर फूल निकले ही नहीं हुए थे, तो ये आज कैसे निकल आए? तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा इस पौधे को कहते हैं दोपहरी दोपहरी। ये मतलब जैसे धूप होती जाएगी ना, सुबह से लेके दिन तक, दोपहर तक ये फूल निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, निकलते रहते हैं, ख़त्म होते रहते हैं, ठीक है। जैसे दोपहर का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो ये फूल ख़त्म हो जाएंगे, सुबह अगले दिन फिर दोबारा नए निकलेंगे। तो अभी इनकी खुशबू वगैरह लेते हैं और चेक करते हैं कि इनकी क्या खुशबू भी है या खुशबू नहीं है। खुशबू इनकी नहीं है, इनकी खुशबू वगैरह नहीं है, बस सिर्फ ये एज अ डेकोरेशन ही यूज़ होते हैं। और ये मैंने आपको कल भी दिखाई थी मिर्चें, ये देखें ये जो कल एक कच्ची सी थी वो भी आज मुकम्मल हो गई है, पक गई है। तो ये मेरी पौधों की अपडेट थी। तो अभी जाते हैं ऊपर परिंदों की तरफ, मैं आपको परिंदों की एवरी कभी टूर करा देता हूँ, वो भी दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से सारे परिंदे हेल्दी एक्टिव और बेहतरीन घूम फिर रहे हैं, जो भी मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ। ये चेक करें, बगैर दरवाज़ा खोले आज इधर से आप इनका टूर करें। माशाल्लाह से देख रहे हैं कोई परिंदा भी हांप नहीं रहा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद कोई परिंदा हांप नहीं रहा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये अभी जाते हैं ऊपर दूसरे कबूतरों की तरफ, वो देखें ये कबूतर निकले हुए हैं, ये कबूतर निकले हुए हैं, ये कबूतर नहा रहा है इधर इस पानी में, चेक करें। ये देखें इधर कबूतर नहा रहा है, कबूतर ने नहा भी लिया। मैंने इधर कुछ जंगली परिंदों के लिए पानी रखा हुआ था, तो वो चेक करते हैं कि वो पानी पड़ा हुआ है या नहीं। ये चेक करें, ये जंगली परिंदों के लिए पानी भी पड़ा हुआ है, लेकिन आज इसमें मसला हुआ हुआ है। ये देखें सारी इसके ऊपर ये सब्ज़ा सा आ गया है, मतलब ये पानी गंदा हो गया है। तो ऐसे करते हैं कि इस पानी को भी इधर पड़े रहे, नीचे जाते हैं, नीचे से कोई ब्रश वगैरह लेके आते हैं और इसे साफ़ करते हैं अच्छे से। तो अभी मैं नीचे जाता हूँ और ब्रश लेके आता हूँ, कपड़े धोने वाला अगर ब्रश भी मुझे मिल गया तो उससे भी ये काम चल जाएगा। तो ये ब्रश मिल गया तो अभी वापस ऊपर जाते हैं और उसकी अच्छे से सफाई करते हैं और उसमें दोबारा फ्रेश पानी डाल देते हैं, ताकि ये जो आज़ाद परिंदे घूमते हैं उनको पानी इधर मिलता रहे। तो ये रहे पानी, ये इसे साफ़ करते हैं अभी। ये देखें
ये सारा उतर गया है इसके ऊपर से। ये देखिए जो थोड़ा सा रह गया तो इससे भी ऐसे करने से ये भी उतर गया। ये देखें ये भी सारा वॉश हो गया। जब भी इस जगह पे धूप आई हुई है तो अभी नीचे जाते हैं और पानी लेके आते हैं इनके लिए फ्रेश ठंडा पानी। अभी नीचे जाते हैं और इन सब के लिए फ्रेश ठंडा पानी लेके आते हैं। ये पहले मैं इधर मैं पहले हैंड वॉश कर लूं और इसमें पानी फिलअप करते हैं। इसमें पानी फिलअप करके तो वापस ऊपर जाते हैं, ऊपर उसमें पानी डालते हैं। चलो जी जल्दी से हो जाओ परे जाओ जल्दी। ये देखिए अभी वो सिर्फ एक पायर कबूतर रह गया, बाकी घूम के अंदर चला गया है। तो इधर भी पानी लिए कबूतरों के लिए रखा हुआ, उसमें नहाते भी हैं और पीते भी हैं। तो अभी वो ऊपर चले गए तो वापस आपको फिर दिखाते हैं कि वो कैसे हैं। कल के आपको माशाल्लाह से कल के आप लोगों ने बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत उस वीडियोस पे मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं और कमेंट भी आ रहे हैं। माशाल्लाह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितना आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं मैं आपके इस प्यार को कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वापस अभी ऊपर जाते हैं और ये जो आज़ाद परिंदे हैं उनका पानी वगैरह डालते हैं इसमें और सफाई करते हैं। ये देखें ये देख रहे हैं ये अभी बिल्कुल क्लीन हो गए। ये पानी सारा अब क्लीन हो गया है, ये बर्तन। और ये हमने अब इसमें सारा साफ पानी डाल दिया है। अब इधर जो भी परिंदा आएगा वो इजीली अपना पानी वगैरह पी सकता है। तो अभी फिर जाते हैं कबूतरों की तरफ और कबूतर आपको दिखाते हैं कि कबूतरों की क्या पोजीशन है, किसी की कोई अंडे से बच्चे निकला है या नहीं निकला है। ये देखें कल मैंने आपको सिर्फ एक ये ही बच्चा दिखाया था कि कबूतरों का निकला हुआ है, लेकिन आज मैं आया हूँ तो एक और भी मैंने देखा है। ये चेक करें, आज एक और बच्चा भी कबूतरों का निकला हुआ है। आज मेरी इसके ऊपर नज़र पड़ी है और कल यहाँ पे अंडा नहीं था, लेकिन आज इस कबूतरी ने ये अंडा भी इधर दे दिया है। और ये भी एक अंडा पड़ा हुआ है, अब ये नहीं पता कि ख़राब है कि ठीक है, ये ख़राब हुआ हुआ अंडा है। और कुछ और अंडे ये भी पड़े हुए हैं, अब इनका नहीं पता कि ये ख़राब हैं या ठीक हैं। और अभी इस कबूतरी को पकड़ते हैं। ये देखें इसने अंडे हैं इसके, तो ये आगे से फिर मार रही है, काट रही है। ये देखते हैं कैसे काट रही है, तो इससे ज़्यादा छेड़ा तो ये तंग करेगी। ये देखिए ये मेरे कबूतर हैं माशाल्लाह से। तो ये शाम को बाहर निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या नहीं पसंद आई, कैसी है ठीक है, मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। तो आप सबको मुझे बताना चाहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। आज की यही वीडियो थी, अपने भाई को दें इजाज़त। मिलते हैं कल की नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा।